Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. So today we have the owner of this Honda Civic Rebirth, one of my good buddies. Assalamu alaikum bro. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah, theek thaak aap? So alhamdulillah. So brother, humne aapka viewers ne dekh liya hoga. Owner's review to dekh liya. To ab yaar ye batao ke gaadi aap maintain kaise karte? How do you maintain this Honda Civic Rebirth? I maintain it like ये जो गाड़ी है, अब इसको मैंने गाड़ी को लिया तो इस गाड़ी के अंदर जो ऑयल भी मैं डालता हूँ ना जी, तो ऑयल मैं हमेशा इसके अंदर मैगनम का डालता हूँ। अच्छा सर, पहले एक चीज मुझे बता दें कि गाड़ी का मॉडल ईयर कौन सा है? मॉडल ईयर 2015। और वेरिएंट? और वेरिएंट इसका है यूजी। ठीक हो गया। और आपने कब ली? मैंने इसको लिया था फरवरी 28, 2021। ठीक हो गया। और जो आपने गाड़ी ली तो उसके बाद आपने कैसे इसकी मेंटेनेंस को चेंज किया और पुराने ओनर का? अच्छा, जब मैंने गाड़ी ली थी इट वाज लाइक, मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा मगर उस बंदे ने इसका इंजन ऑयल भी चेंज नहीं कराया था। अच्छा जी, इतना खराब हरकत, इतना खराब उसने हरकत की थी गाड़ी को, और गाड़ी के अंदर जान ही नहीं थी। अच्छा, गाड़ी के अंदर बिल्कुल जान नहीं थी। ये तो यार बड़ा सैड। ठीक है, तो इस गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल गंदा पड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा गंदा था। फिर प्लस इसका जो गियर ऑयल था वो भी खराब था। अच्छा, ब्रेक ऑयल्स वो खराब थे, ब्रेक पैड्स खराब थे। ये तो बड़ा दिल पे लग रही है। मुझे आप देख लें, गाड़ी मुझे मिली थी ना तो एक स्क्रैप की तरह मिली थी। इसको मैंने जीरो से उठाया इस गाड़ी को ऊपर। अच्छा, तो अब मुझे उसने गाड़ी दे दी, अब मैं चला रहा इसी रोड पे, बल्कि हम आए इसी रोड पे आ रहे हैं, तो मैं हाँ। उधर से आ रहा था भगाता हुआ, हाँ। तो अचानक से गाड़ी गर्म होगी। अब मैंने गाड़ी साइड पे रोकी, मैंने देखा अंदर कूलेंट भी नहीं था। नहीं यार, अब आप इतना देखें, कूलेंट भी उस बंदे ने नहीं डाला था। फिर मैं इसको गाड़ी को लेके गया। पहले मैंने इस गाड़ी के अंदर डलवाया था कोरियन कोई ऑयल था, वो मैंने डलवाया था, मेड इन कोरिया था, वो मैंने ऑयल डलवाया था। उसके बाद काफी स्मूथ होगी गाड़ी, बहुत ज्यादा स्मूथ होगी गाड़ी। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डलवाया ये किक्स का, ये ऑयल डलवाया किक्स के बाद मैंने दूसरा ऑयल परचेज किया, वो है मैगवन, और अभी तक मैं मैगवन ही डाल रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर। ठीक हो गया। और ये ऑयल की कॉस्ट क्या पड़ती है आपको? इस ऑयल की मुझे कॉस्ट पड़ती है 10,000 रुपीज, और मैं ये 10,000 किलोमीटर चलता हूँ। 10,000 और कितने महीने चल जाता है तकरीबन? ये आप समझ दो मुझे कॉस्ट पड़ती है 1 रुपी पर किलोमीटर। $1 per kilometer, cost वो जानने वाले हैं। हाँ हाँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हूँ, बुक कर लेते हैं, मेरे तावन करते हैं हमेशा। सर ये G10 में ना, नहीं नहीं G10 में नहीं, ये E11 में। अच्छा, TW वाले। ठीक ठीक तो वो लोग माशाल्लाह बहुत तावन करते हैं मेरे साथ, मेरी गाड़ी उन समझ लें, ऑयल चेंज जो होता है वो उन्हीं से होता है मेरी गाड़ी का। मैगवन में डालता हूँ हमेशा, मैंने मैगवन जब डाला था तो गाड़ी आपको बता रहा हूँ बहुत परफॉर्मेंस में आ गई थी गाड़ी, अपने आप खोल लिया था गाड़ी। ऑयल जब अच्छा होता है ना तो गाड़ी बड़ी खुश होती है आपसे। हाँ, गाड़ी भी कहती है मालिक मेरा ख्याल रखना। मालिक मेरा ख्याल रखना, मैं क्यों ना मालिक का ख्याल रखूं, इज्जत क्यों ना बचाऊं। बिल्कुल, इसी तरह आई अंडरस्टैंड दैट। तो आपने बता दिया 10,000 इसके आगे। अच्छा, आपकी गाड़ी मतलब थर्ड पार्टी मेंटेन हो रही होती है जी? ठीक हो गया। तो सर इसके बाद आपके ब्रेक पैड्स वगैरह वो क्या स्टोरी थी, वो भी आपने सारे चेंज किए? ब्रेक पैड्स का ये हुआ था कि मैं ऐसी शुगल मेले में, रेस तो मैं लगाता नहीं हूँ, शुगल मेले में मैं स्पीड दे रहा गाड़ी को। ठीक हो गया। तो मैंने इसकी ब्रेक दबाई है तो ब्रेक काम ना करे। क्या ब्रेक काम नहीं कर रही? ओह माय गॉड। अब मैं था H13 वाली रोड के ऊपर, अब वो ऐसी ईद वाला दिन था, अब उधर मेरी ब्रेकें ना काम करे, मैं जोर मारूं एंड पे जाके यकीन करें कोई अल्लाह ने सामने वो कोई वो झाड़ियां थी रोड के ऊपर पड़ी हुई थी, उसके अंदर कहीं जाके गाड़ी जोर की थोड़ी सी लगी है, तब वो मेरी स्पीड लो हुई है, वरना ये गाड़ी रुकने वाली नहीं थी वहां पे। अच्छा जी, फिर ब्रो आपने इसमें कौन सी ब्रेक्स डलवाई? फिर मैंने इसके अंदर जी स्पोर्ट्स की ब्रेक डलवाई है इसके अंदर। अच्छा, तो माशाल्लाह उसके बाद ब्रेकें बेहतरीन है। ब्रेकें भी मैंने अभी चेंज कराई हैं, पहले भी मैं बाज नहीं आया था ब्रेकों पे, मैंने बहुत इसको वो किया है कि चलो बाद में। हालांकि ब्रेक बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अब मैंने ये अभी जाके चेंज कराई, और अभी भी इसलिए चेंज कराई क्योंकि वो हरकतें फिर शुरू कर दी थी इसने, मैंने चेंज करा ली। अब चेंज कराई है तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन होगी इसकी ब्रेकें। तो ब्रो सस्पेंशन चेंज कराई आपने? मैंने सस्पेंशन चेंज कराई, इसके अंदर ऑयल ओवर डाले। ऑयल? अच्छा, ओरिजिनल सस्पेंशन की क्या हालात है? सस्पेंशन जो इसकी थी हाँ। उसके हालात ये थे कि वो आवाज बहुत करते थे, उसका जो घुटना होता है ना हाँ हाँ। जैसे कि कहते हैं घुटना हाँ। वो उसका खराब हुआ हुआ था। अच्छा, तो बस घुटना ही उसका खराब था, पकाया माशाल्लाह वो गाड़ी बेहतरीन थी। सही सही सही। वो गाड़ी की सस्पेंशन माशाल्लाह, वो अभी भी मैंने घर में रखी हुई है। अच्छा, सस्पेंशन मैंने बस ऑयल ओवर वगैरह डाल दी इसके अंदर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने इसके टायर्स रिप्लेस किए होंगे? टायर्स रिप्लेस किए मैंने, टायर रिप्लेस किए, 18 इंच के टायर, वो 17 इंच के टायर डाले हैं, 215 और 45 इसकी वो है। ठीक, तो
अब वो मैंने डाल लिए तो इसके अंदर मैंने रेस के ओरिजिनल रिम्स लगवाए हैं ब्लैक कलर के। हाँ, अभी हम जी आपको दिखाते हैं, आपने देख लिया होगा मॉड रेस के, मैंने बिल्कुल ओरिजिनल मैंने इसके अंदर रिम लगवाए हैं। ये मुझे कॉस्ट पड़ गई थी उस टाइम पे भी, हालांकि आई थिंक सो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़े हैं ये। अच्छा, मैं आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। मुझे ये पड़ गए थे 2,45,000 के सिर्फ रिम्स, और जो टायर मुझे पड़ा था ये मुझे एक टायर पड़ा था 36,000 का। 36,000 कौन सा टायर था? रैली, रैली का, रैली N0। N0 मतलब रिपीट आ रहा है। यस, इसका नॉइज भी कोई नहीं है। हाँ, मतलब इट्स वेरी, कोई आपको मतलब ये है ना कि नो नॉइज, बिल्कुल जीरो नॉइज, वो सिर्फ क्रैकल ये बार की आ रही है और टक टक कर रही है ना। नहीं, बार की नहीं, ये इस बार लाइट की है। वो मैं कह रही हूँ जो बार लाइट है तो ये वो टक टक थोड़ी वो कर रही है, बिकॉज ये फिट नहीं हो रही थी। अब आपको पता है इसका जो डैशबोर्ड है ना, ये स्ट्रेट नहीं है। अगर ये स्ट्रेट होता ना तब ये बिल्कुल फिक्स होती, बिल्कुल इसी तरह। अब ये स्ट्रेट नहीं है तो दैट्स व्हाई इसकी बहुत ज्यादा नॉइज आती है। और ये अभी बाहर भी लोग देखें हमें तो यहाँ से लग रहा है कि बिल्कुल सीधी है, अगर नहीं ये टेढ़ी लगी हुई है। मुझे पड़ जाता है और मुझे कोई टेंशन भी नहीं होती। और 10,000 में सब कुछ होता है ना, ऑयल फिल्टर शेल्टर, ऑयल फिल्टर शेल्टर, हर चीज चेंज हो जाती है। सही सही सुकून से। तो चले जी, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग योर मेंटेनेंस कॉस्ट के इनसाइट्स। तो दिस इज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दिस होंडा सिविक रीबर्थ। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।